डियर पेरेंट्स, आज जो है एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि संस्कार से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, और आपके हाव भाव, आप जिस परिवेश से आते हैं, सोसाइटी, इस दो तीन चीज़ों से रिलेटेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर पेरेंट्स, मैं आप सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चे को संस्कार सबसे पहले सिखाइए। शिक्षा और चीज़ें जो है वो उन्हें मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा जो संस्कार है ना, उस संस्कार को सबसे ज़्यादा हमें ऊपर रखना होगा और संस्कार को सबसे ज़्यादा हमें उसे वैल्यू देना होगा, क्योंकि सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम सब रहते हैं, यहाँ पे बच्चे का जो है टेक केयर जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, बट वही बच्चे अगर घर जाते हैं तो घर पे वो बदमाशी करते हैं, घर पे वो पढ़ाई नहीं करते हैं, घर पे वो इवन एब्यूजिव वर्ड का भी यूज़ करते हैं, जिसको गाली गलौज बोलते हैं, गाली गलौज भी करते हैं बच्चे। लेकिन इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना आप सभी का, पेरेंट्स का काम है कि आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो काम है 3 से 4 घंटे का काम है, 3 घंटे का काम है, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, इसमें फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि इनको भी एक अच्छा संस्कार सिखाएं, क्योंकि बड़े का इज्जत करना है ना, बुजुर्ग का इज्जत करना, ठीक है, अपने पेरेंट्स को इज्जत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि छोटे बच्चे में कहीं ना कहीं ये रूरल एरियाज़ के अंदर, Tier 3-4 cities में जो बच्चे रहते हैं, इनको कहीं ना कहीं ये माइनर्स जो है चीज़ें नहीं सिखाया जाता है। और माइनर्स इसलिए भी नहीं सिखाया जाता क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो कि वो उस परिवेश में नहीं गए हैं आज तक। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा जो लैकिंग है वो है, जो हमारा एक अच्छे टीचर जो हैं वो बड़े सिटीज़ में ही रहते हैं, छोटे सिटीज़ में वो आना नहीं चाहते हैं और वो काम करना नहीं चाहते हैं, वो इस तरीके का संस्कार और इस तरीके का वैल्यू सोसाइटी के अंदर क्रिएट नहीं करना चाहते। इसका वजह बहुत सारा है, आप सबको भी मालूम है कि बड़े सिटीज़ में उन्हें एक बड़े लेवल पे पैसे मिलते हैं और वहाँ पे सभी सुख सुविधाएं उन्हें मिलता है, तो क्यों वो इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के गाँव में और Tier 3-4 cities में बच्चे को ये चीज़ें सिखाने के लिए, करने के लिए आएंगे, जो कि हमने फेस किया है लास्ट 3.5-4 साल से यहाँ पे रूरल एरियाज़ में काम करके। बच्चे के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो अगर बच्चे खुद से अगर कोई बुक्स लिया, उसको कहाँ पे रखना है, ठीक है, पढ़ाई करना है तो कौन से टाइम में कितने बजे पढ़ाई करना है, यहाँ से जाने के बाद उनका क्या रूटीन होना चाहिए, और प्लस पेरेंट्स का क्या रूटीन होना चाहिए, पेरेंट्स को कितना उनके एजुकेशन में हेल्प मिलना चाहिए और पेरेंट्स का क्या क्या रोल होना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं टीचर्स को बताना चाहिए। और आपको ये बात जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगा कि हमारे एरिया में अभी जो वैल्यू सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लैकिंग है, और ड्यू टू टेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चे को अपने मोबाइल दे देते हैं एकदम अर्ली एज में, एकदम छोटे एज में जो है वो मोबाइल दे देते हैं और उन्हें गेम खेलने के लिए दे देते हैं, उन्हें अलाउ कर देते हैं, अगर कहीं उन्होंने 1-2 गलतियाँ किया तो बोलते हैं चलो पहला गलती था, इन्हें माफ़ कर देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वही 1-2-4 गलती धीरे धीरे होते होते वो जो है इस चीज़ को जो है एक क्या करता है, अपना एक आदत सा बना लेता है ना। जब ये आदत बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये आदत जो है उनको फिर से बार बार ये चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए, और संस्कार जो ये वर्ड है ये बहुत बड़ी वर्ड है, और इस चीज़ को वैल्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा ही सिखाइए, बट इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का।